और अपनी मन्नत, मान्यता है यही है कि जो भी मन्नत मनोकामना लेकर माँ के श्री चरणों में निवेदन करेगा उसकी हर मनोकामना माता पूरा करती हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त नून के चौराहा का काली पूजा समिति का यह विशाल शोभा यात्रा जब देखिएगा तो हजारों की संख्या में यहां पर अशोक राजपथ से बद्र घाट की ओर प्रस्थान के लिए, क्या हो पुरुष, क्या हो महिलाएं, क्या हो बच्चे, क्या हो बूढ़े, एक साथ में माता रानी को और खास करके नम आंखों से विदा कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है क्या कि ऊंट के साथ में, ऊंटों के साथ में, ये सवारी के साथ में तमाम लोग, जो श्रद्धालु जब देखिएगा तो एक उत्साहित रूप से यहाँ पर लोग हैं। और मांदर, जो मांदर के था पर, और सबसे बात है सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखिएगा तो 3-4 थाना अध्यक्ष दल बल के साथ में यहाँ पर जो भी श्रद्धालु है एक साथ में माता रानी के यहाँ पर गुणगान कर रही है। हम तमाम चीजों से अध्यक्ष बनाएंगे और यहाँ के जो अध्यक्ष है उनसे भी जानकारी लेंगे क्या खासियत है माता रानी की। यहाँ का दृश्य देखिएगा तो ये काफी उत्साहित लोग हैं यहाँ पर। चले मूसा बैंड से शुरुआत हो गई है नून के चौराहा का काली पूजा। जी हाँ, काली जी का विशाल शोभा यात्रा। और बीच बीच में अपना कर्तव्य दिखलाते हुए, जी हाँ, एक खूबसूरत सा है, बजाते कम है कर्तव्य ज्यादा दिखलाते हैं। अच्छी बात है, क्या बात है। ये देखिए मांदर की थाप पे माता रानी को अंतिम विदाई देते हुए
वहाँ का फूल का सूर्य भगवान जी, सूर्य भगवान का शांति सेवा समिति का है लोहा का पुल का। ये भावना देखिए क्या बात है, महिलाएं लोग सड़कों पे झाड़ू लगा रही मैं श्री काली पूजा समिति नून के चौराहे का अध्यक्ष हूँ। काली पूजा समिति की स्थापना 1991 में हुई, समझे ना। हम लोग तभी से बहुत धूमधाम से इसको मनाते आ रहे हैं और यहाँ लोगों में, नून के चौराहे के लोगों में इतनी बड़ी आस्था है कि लोग आरती के समय या अभी हमारा जो विसर्जन है इसके जुलूस के शोभा यात्रा को देखकर आदमी को माने लोग समझ जाते हैं कि हमारी महत्ता कितनी है। हमारे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माता के पूजा करने के लिए और ये स्थापना काल 1991 से ही बहुत बढ़ चढ़ कर हमारी समिति इसमें हिस्सा लेती है और बहुत धाम धाम से हम लोग एकदम अच्छे रूप से पूजा करते हैं। माता रानी का एक आस्था बना हुआ है। हाँ, एक आस्था बना हुआ है, समझे। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। देखिए, माँ काली की स्थापना 1991 में की गई थी और तभी से उनकी ऐसी विशेष कृपा हुई है कि बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर से भी और बिहार के कई जिलों से लोग आते हैं और अपनी मन्नत, मान्यता है यही है कि जो भी मन्नत मनोकामना लेकर माँ के श्री चरणों में निवेदन करेगा उसकी हर मनोकामना माता पूरा करती हैं। और मान्यता पूरा होने के बाद लोग सोना चांदी और चुनरी नारियल जितनी भी श्रद्धा होती है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग यहाँ हिस्सा लेते हैं। और एक आप समझ लीजिए कि दुर्गा पूजा के बाद अगर सुदर्शन पथ से लेकर के अशोक राजपथ होते हुए भद्रघाट तक एक मेला सा लगा रहता है, लोग माँ काली के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आके बैठे रहते हैं और इनके इंतजार में, प्रतीक्षा में लोग लगे रहते हैं। बोलिए काली माता की जय, काली मैया की जय, काली मैया की जय। देख लाए थे नून के चौराहा का श्री काली पूजा का विसर्जन, उसके पीछे देखिएगा तो लोहा का पुल का, सूर्यदेव महाराज का। और यहाँ का जब उत्साहित रूप से देखिएगा तो प्रशासन का विशेष रूप से व्यवस्था की है, बिल्कुल चाक चौबंद, चाहे वो मेहंदीगंज थाना का हो, चाहे फिर बाईपास हो या फिर
चौक थाना, ये तमाम लोग एक साथ में है। सुरक्षा के ख्याल से यहाँ पर जब देखिएगा तो काफी ताम झाम है, और ये विसर्जन अहम मानी जाती है कि जैसे दीपावली की शुरुआत होती है तो इस तरह का पूजन समारोह विभिन्न पंडालों पर, और खास करके आज नम आंखों से विदाई दी जा रही है। SSI2 आप देखते रहिए, जय हिंद।